जितना अधिक हार्ड वर्क करके आएंगे आप उतना ही हार्ड वर्क कर सकेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, सुबह जैसे आँख खुली हम लोग सोचते कि अब जगेंगे, लेकिन दिमाग कहता है कि थोड़ा सा और 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट थोड़ा सा सो लेते हैं। तो 5 मिनट में एक्चुअली फिर नींद नहीं टूटती है, 5 मिनट में एक्चुअली नींद नहीं टूटती है, नींद टूटती है 20 मिनट के बाद। फिर टाइम देखते हैं कि अरे भैया 20 मिनट हो गया, फिर कहता है कि जाओ 2 मिनट थोड़ा रेस्ट ले लो। यानी इसी तरह से करते 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 आपको उस काम में लेट करा देता है जिस काम में आपको पहुंचना था 6 बजे और आप पहुंचे 8 बजे। इसको बोलते हैं आलसीपन, काम को टालना। तो आप बचपन से जैसा करके आए हैं, आपके अंदर जैसा हैबिट है, एक्चुअली उस हैबिट को छोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो उसी तरह से पढ़ा लिखा इंसान बेरोजगार जो रह जाता है तो उसका मेन पर्पस यही होता है कि वो बचपन से उस कंफर्ट जोन से निकला है, हाथ में कलम लिए, कोई वजन नहीं उठाया, कभी उस धूप में नहीं गया, कभी उस कादा में नहीं गया। मजदूर सबको देखे हैं, बड़ा बड़ा बोरा उठा लेता है, कोई भी काम उसको करने दीजिए वो कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसका काम ही वही है, वो बचपन से वही करके आया इसलिए वो कर लेता है। तो इसलिए कहा जाता है कि पढ़ा लिखा इंसान बेरोजगार रह गया, क्योंकि बचपन से वो पढ़ाई किया, जब पढ़ाई किया तो उस अनुसार उसको काम ही नहीं मिला, जब काम नहीं मिला तो रह गया बेरोजगार, ना तो इधर का रहा ना तो उधर का रहा, वो रह गया बीच का। जब बीच का इंसान रह जाता है तो इस ज़िंदगी में उसका कोई वैल्यू कोई मोल नहीं रहता है। इसलिए पढ़ाई करते हैं तो मेन पर्पस लगा के ऐसा पढ़िए कि पढ़ाई के क्षेत्र में ही कुछ करके अपना जीवन यापन कर सकें।